आजमगढ़ में नौतपा का दिख रहा असर। शनिवार से शुरू हुए नौतपा का असर आजमगढ़ में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जहां तापमान 45 रहा, वहीं बुधवार को तापमान में 1 डिग्री बढ़ोत्तरी हुई है। आज अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा है, जबकि न्यूनतम 30 डिग्री तक रहा। इस दौरान लू चलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी और मौसम में नमी बनी रहेगी। हवा की रफ्तार भी करीब 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। दरअसल नौतपा में सूरज धरती के सबसे नजदीक होता है, यही वजह है कि इस दौरान गर्मी बेहद रहती है। आजमगढ़ में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बुधवार को दोपहर 1 बजे पारा 44 डिग्री पहुंच गया, जो कि दोपहर 2 बजे तक 46 तक पहुंचा, लेकिन गर्म हवा के चलते महसूस 48 डिग्री तक हुआ। सुबह से ही भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता दिख रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से हालत और भी बदतर होते जा रहे हैं। तापमान चढ़ते ही बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई है। उपकेंद्रों के ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर बार बार ट्रिप कर जा रहे हैं। ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए उपकेंद्रों पर कूलर लगाया जा रहा है, जिससे बिजली आपूर्ति में समस्या न हो। घर से बाहर जरूरी काम से निकले लोग पसीने से तरबतर और गला सूखने के कारण बेचैन और व्याकुल नजर आए। सूरज के कहर से परेशान लोग अब तो ईश्वर से बरसात की कामना करने लगे हैं। शहर की सड़कों पर सुबह 10 बजे के बाद से सन्नाटा पसर जा रहा है, जो शाम को 4 बजे रहता है। अभी आजमगढ़ के लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी, तापमान आगे कुछ दिन और भी बढ़ेगा।